महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से शिवसेना और एनसीपी में मतभेद जारी है। शिवसेना ने आरोप लगाया था कि एनसीपी उनकी पार्टी तोड़ना चाहती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी शिवसेना के पार्षदों का एनसीपी में शामिल होना। दरअसल राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौजूदगी में कुछ दिन पहले शिवसेना के 5 पार्षद एनसीपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद शिवसेना काफी नाराज थी। मामला इतना बढ़ गया था कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे की भी मुलाकात हुई थी। हालांकि शिवसेना की नाराजगी को देखते हुए अजीत पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और विवाद सुलझाने का प्रयास किया। इस मुलाकात में ये फैसला लिया गया कि शिवसेना के 5 नगर सेवकों को एनसीपी वापस कर देगी। बुधवार को शिवसेना के 5 नगर सेवकों ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर उनकी मौजूदगी में दोबारा पार्टी में प्रवेश किया। उधर पार्षदों के इधर उधर पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने भी तंज कसा है। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने ट्वीट किया कि रात के अंधेरे में पार्षदों को चुराकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा करने वाले आज दिन के उजाले में एनसीपी से भीख मांग रहे हैं। दरअसल 2017 में बीएमसी में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए शिवसेना ने मनसे के 7 में से 6 पार्षदों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया था। तब से ही मनसे शिवसेना से खिलाफ है और इस बार सरकार में शामिल होने के बावजूद एनसीपी ने शिवसेना के 5 पार्षदों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवाया, वो भी अजीत पवार की मौजूदगी में। इस बात पर शिवसेना काफी नाराज थी। इसी बात को लेकर मनसे ने कहा था कि सब समय समय की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।